दोस्तों आप हमसे पूछ रहे थे कमेंट करके कि जामिया का एडमिट कार्ड कब से आना शुरू हो जाएगा और स्कूल के जो स्पेशली अभी हाल फिलहाल में एग्जाम्स होने वाले हैं विद इन 15 डेज में जो एग्जाम्स होने वाले हैं या 20 डेज में उनका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा, कोरोना वायरस के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, अभी जामिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, कोरोना वायरस से क्या एग्जाम टलेगी या एग्जाम उसी शेड्यूल से होगी और फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन ओपन हुआ है स्कूल्स के। तो दोस्तों 3-4 क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा फॉर्म को एडिट करने से लेके कोरोना वायरस का क्या इफेक्ट है और आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो दोस्तों अभी भी आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन जामिया मिले इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपको इस वेबसाइट है इसका लिंक है jmicoe.in पे, यहां पे जाके स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप इसमें देख सकते हैं जो भी नोटिस आती है यहां पे नोटिस आती है, तो बहुत सारे ऐसे नोटिस है जिनका अभी क्लासेस अभी बंद हो गई है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह जामिया में भी चांसेस है कि एग्जाम्स का डेट आगे बढ़ जाए। आगे आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर्म को एडिट कैसे करना है। ये जो फॉर्म निकला हुआ था क्लास 6 का, 9th का, 11 साइंस, 11 आर्ट्स और 11 कॉमर्स का, इसका एडिट करने के लिए फॉर्म ऑनलाइन एडिशन का ऑप्शन खुला हुआ है। आज है 17 मार्च और कल 18 मार्च तक आप फॉर्म एडिट कर सकते हैं, राइट। और जो एग्जाम होने वाले हैं जो सबसे पहले इसमें देखिए 11 अप्रैल को टेस्ट होने वाले हैं, यानी इस महीने में 10 दिन समझ लीजिए और अगले महीने में 10 दिन, 20 दिन के आसपास एग्जाम होने वाले हैं। तो कोरोना इफेक्ट का क्या अफेक्ट होने वाले हैं आपको 10 दिन के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी टाइम है, अभी तो फॉर्म एडिट हो रहा है, यानी फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन ओपन है। तो आप अभी आप नहीं कह सकते हैं कि एग्जाम टलेगी या रुकेगी जब तक कोई ऑफिस का ऑर्डर ना आ जाए, जब तक जामिया का ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आए, तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि आपकी एग्जाम का डेट है वो बढ़ेगी या उसी टाइम पे होगी। जब तक ऑफिस का नोटिस नहीं आए तब तक आप समझ लीजिए कि जो डेट मेंशन है वही डेट आपका है। अगर ऑफिस का नोटिस आता है जामिया से तब आप समझ सकते हैं कि डेट बढ़ी है, लेकिन जब तक नोटिस नहीं आता है तो कैसे आप कह सकते हैं कि डेट बढ़ेगी। वैसे कुछ एग्जाम्स हैं जैसे अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट क्लास के एग्जाम हुए हैं लेकिन 6 और 9th के टल गए। तो अभी बहुत टाइम है, अभी 20 दिन के आसपास टाइम है, आप कह नहीं सकते हैं कि डेट बढ़ेगी। डेट बढ़ भी सकती है, नहीं तो ओरिजिनल जो डेट है उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसी टाइम पे एग्जाम हो जाए और आप इंतजार करते रहें कि आगे बढ़ेगी। तो आगे बढ़ने की उम्मीद मत कीजिए, अगर आगे बढ़ जाएगी तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा क्योंकि आपको प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा, लेकिन जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक आपको वही डेट के लिए प्रिपरेशन करना है। अभी ऑप्शन खुला हुआ है 18 मार्च यानी कल तक आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो फॉर्म एडिट करने का जो ऑप्शन आएगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहां पे आपको एडमिशन सेक्शन पे यहां पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन फॉर जामिया स्कूल नर्सरी। यहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे आएंगे, यहां पे देख लीजिए, यहां पे आएंगे तो यहां पे साइन इन है, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन तो बंद हो चुका है, एक्टिवेट योर अकाउंट भी बंद हो चुका है, तो आपको यह साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहां आपको ईमेल आईडी देना है, राइट, और यहां पासवर्ड, उसके बाद आपको लॉग इन कर लेनी है, मतलब यहां टिक करेंगे तो पासवर्ड सेव हो जाएगा, नहीं तो आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के सबमिट कर देना है। उसके बाद उसमें जो भी आपको चेंज करना है, कुछ चीजें होंगी चेंज हो सकती है, कुछ चीजें नहीं चेंज होती है, तो अगर कोई भी चीज चेंज नहीं होती है तो आपको घबराना नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया या किसी भी देश की यूनिवर्सिटी में डेटा जो भी ऑनलाइन भरते हैं वो सत्य नहीं माना जाता है तब तक कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना दें। तो आपका जो ओरिजिनल जो डेटा है, चाहे आपको एड्रेस है, चाहे आपका नाम है, चाहे आपका 10वीं का मार्क्स है, सब चीज ओरिजिनल है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डेटा चेंज नहीं होता है और आपका एडमिशन में नाम आ गया तो आपका पक्का एडमिशन होगा
ये ऑनलाइन डेटा को करेक्ट नहीं माना जाता है। ये अलीगढ़ जामिया और देश के सारे यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि जो भी डेटा आप ऑनलाइन देते हैं वो सत्य नहीं है तब तक कि आप ओरिजिनल प्रूफ ना दे। तो आपका ओरिजिनल प्रूफ का ही ओरिजिनल माना जाता है, बाकी इसमें गलती से अगर कुछ भर देते हैं, अगर डेटा एडिट करने में चेंज नहीं हो पाता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप तैयारी कीजिए। तैयारी से आपका एडमिशन होगा, सिर्फ इस डेटा को देने से एडमिशन नहीं होगा। और डेटा गलत भी हो जाता है, इन केस मान लीजिए गलत हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपका रिजल्ट में नाम आता है। एडमिशन के वक्त डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, वहां आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा, ये मेरा वादा है। आप अगर कोई भी ऑनलाइन में गलती हो जाती है और आपका एडमिशन में सिलेक्शन हो जाता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाइए, पक्का आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे एडिट करना है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के फॉर्म सबमिट करके एडिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा। और जो इम्पोर्टेंट बात थी कि फॉर्म एडिट करने का जो ऑप्शन है वो 18 मार्च तक ओपन हुआ है और एग्ज़ाम का डेट जो है 11 को। तो एडमिट कार्ड दोस्तों, एडमिट कार्ड अभी नहीं आने वाले क्योंकि अभी तो एडिट का ऑप्शन चल रहा है। तो आप उम्मीद कीजिए कि अगर 11 अप्रैल को एग्ज़ाम है तो आपका जो एडमिट कार्ड आने का प्रोसीजर होगा वो 28 मार्च के आगे होगा। अभी काफ़ी टाइम है, 10 से 15 दिन के बाद आपका एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा अगर इस डेट पे एग्जाम हुआ तो। अगर आगे बढ़ेगी तो एडमिट कार्ड और लेट आ सकता है। अगर इसी डेट पे अगर एग्जाम होता है तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 10 से 15 दिन बाद आने वाला है। तो आप लोग जो कमेंट कर रहे थे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, 10 से 15 दिन के बाद आएगा। फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन 18 मार्च तक है तो 18 मार्च तक आप फॉर्म जो भी एडिट करना है कर लीजिए। अगर एडिट नहीं होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन होना ज्यादा जरूरी है। सिलेक्शन हो जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। ऑनलाइन का डेटा कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं देता है, ऑनलाइन कुछ भी भर दे, कुछ भी भर सकते हैं ऑनलाइन। तो आप IAS का एग्जाम के लिए भर सकते हैं, कुछ भी डेटा दे दीजिए, कुछ भी अपलोड कर दीजिए। तो जब तक ऑथेंटिक डेटा नहीं हो, मतलब ओरिजिनल, उसी को ओरिजिनल मतलब उसी को परफेक्ट माना जाता है। तो अगर ऑनलाइन बहुत सारे डेटा एडिट नहीं होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। और कोरोना वायरस से एग्जाम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाली है ये तो आपको 10 दिन 15 दिन के बाद ही पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी काफी टाइम है एग्जाम होने में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने यारों, अपने फ्रेंडशिप, अपने रिलेटिव्स के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा। और जो भी आपके मन में सुझाव हो इस चैनल के प्रति जरूर मुझे बताइएगा। हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।